हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में नागरिकता के खोने के आधार यानी कि नागरिकता की विशेषता या गुण क्या थी इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के विचार का विकास क्या है। नागरिकता का विचार बहुत पुराना है लेकिन लोगों के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में परिवर्तन के साथ साथ उसके बदलते रहते हैं। प्राचीन युग में नगर राज्य होते थे, अतः नागरिक वही को कहा जा सकता है जिसे उससे छोटे से राज्य में सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता था, किंतु नागरिकता उसी देश के उसी नस्ल के स्वतंत्र व कुलीन पुरुष तक सीमित थी। जैसे रोमन युग में स्थिति बदल गई थी, मानव जाति की प्राकृति समानता का सूत्र दिया गया जिसे रोमन साम्राज्य के विधि शास्त्रियों ने मान लिया कि रोमन राज्य में अनेक देशों व नस्लों के लोग शामिल हो गए थे जिन्हें नागरिकता प्राप्त हुई थी। जब ईसाई धर्म राजधर्म हो गया तो बाइबल का यह सूत्र लागू हुआ कि भगवान सबका पिता है तथा सारे ईसाई भाई भाई हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई हैं, लेकिन विधर्मियों को नागरिकता से वंचित किया गया था। जैसे मध्य युग में यही स्थिति चलती रही, 15वीं ईस्वी के राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था, एक राष्ट्र एक राज्य का सूत्र प्रचलन में आया था। अब उसी राष्ट्र के लोग उसी राज्य के नागरिक हो गए, जैसे कि उदाहरण के लिए फ्रांस में फ्रेंच तो प्रशंसा में जर्मनी, सभी को सामाजिक अधिकार प्राप्त हो गए जबकि राजनीतिक अधिकारों में पुरुषों तक ही सीमित था। 19वीं शताब्दी में महिलाओं ने आंदोलन चलाया जिसके फलस्वरूप इन्हें वोट का अधिकार मिला जिसने इन्हें राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश के योग्य बना दिया गया और धीरे धीरे यह व्यवस्था विश्व के अन्य भागों में स्थापित हो गई। 20वीं सदी में लोकतंत्र का तेजी से विकास हुआ, अतः धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के बंधन टूट गया था। नागरिकों की संख्या बढ़ती चली गई लेकिन विद्वानों ने इसकी कई तरीकों से व्याख्या की। जैसे उदाहरण के लिए TH मसाल ने 1950 में बताया था कि नागरिकता का या विश्वास था कि व्यक्ति को तीन प्रकार के अधिकार उपलब्ध होना चाहिए था। जैसे कि पहला में हम लोग कहेंगे नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए कहेंगे भाषण देना, सभा करने, देश में भ्रमण करने, किसी धर्म को मानने, संपत्ति रखने या बेचने, कानून के समक्ष बराबर होने की स्वतंत्रता, ये नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। खामे हैं राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स, ऐसे अधिकार जिन्हें पाकर कोई व्यक्ति अपने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में भागदार हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए वोट देने, चुनाव लड़ने, राज्य के पद पाने आदि का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है। गामे हैं सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार ऐसे अधिकार है जो किसी व्यक्ति को न्यूनतम स्तर आवश्यक प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देखरेख, बेगारी भाता, वृद्धावस्था में पेंशन आदि, ताकि वह अपने नागरिक व राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सके, तभी वह सिविल समाज में रहकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। ये है सामाजिक अधिकार यानी कि सोशल राइट्स के अंतर्गत ही आते हैं।
जैसे मसल के अनुसार यूरोप में लोगों को नागरिक अधिकार 18वीं सदी में, राजनीतिक अधिकार 19वीं सदी में, सामाजिक अधिकार 20वीं सदी में प्राप्त हुआ था। नागरिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि उनका राज्य की सत्ता को प्रतिबंधित या नियंत्रित रखता है, जबकि सामाजिक अधिकार सकारात्मक प्रकृति के होते हैं क्योंकि वे व्यक्ति को इस योग्य बनाते हैं वह अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करके अच्छा जीवन व्यतीत करता है। लोगों को नागरिकता मिलना वर्गीय संघर्ष का परिणाम रहता है। समाज के शोषित व पीड़ित लोगों को संघर्ष करके अधिकार प्राप्त करते हैं, इसलिए पूंजीवादी समाज में विभिन्न नागरिकों के आंदोलन प्रचालित व्यवस्था को चुनौती देते हैं। जिस प्रकार लोगों के नागरिक अधिकारों ने पूंजीवादी व्यवस्था के अधिपत्य की पुष्टि की थी, उसी प्रकार आर्थिक व सामाजिक अधिकारों ने पूंजीवादी व्यवस्था से टकराकर उसके लिए संकट पैदा किया था। लेकिन डेविड के अनुसार इन दोनों विचारों का समन्वय स्थापित किया गया। उसके विचार में वर्तमान समय में नागरिकों के सामाजिक व राजनीतिक अधिकार तीन आंदोलनकारियों के परिणाम से है, जैसे बौद्धिक नवजागरण, समाज सुधार व धर्म सुधार आंदोलन तथा औद्योगिकीकरण इत्यादि। जब समाज के वंचित वर्गों ने अपने अधिकारों के हेतु संघर्ष किया था तो उनका उद्देश्य ऐसी दशाओं को स्थापित करना था जिसमें वह समान महत्व व समान अवसरों का आंदोलन ले सके। पश्चिमी देशों में उदार लोकतंत्र चल रहा था जिससे अपने लोगों को नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। स्टूडेंट्स, ये है आपका नागरिकता के विचार का विकास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।